और ये क्या है, ये किसकी लाश है? मुनफरिद दिलचस्प और हैरत अंगेज वीडियोस को देखने के लिए न्यूज ऑन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं न्यूज ऑन के साथ। और ये देखे, ये क्या है? ये देखे जी, सिल्वर कलर की मछली है और कितनी प्यारी मछली है। और इसका कलर देखे कि ये कितना मजेदार सा कलर है, ऐसे लग रहा है जैसे चांदी की मछली है। तो इस वक्त मैं आपको साहिल समुंदर गवादर पे लेके आई हूँ और यहाँ मछेड़ों की और मछलियों की भरमार लगी हुई है। हर किस्म की मछली जो है यहाँ पाई जा रही है। जैसे कि मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि मछेरे जो है वो कश्तियाँ भर भर के जो है वो मछली लेकर आ रहे हैं। यहाँ बहुत ज्यादा शाम की मछली, कैसी कैसी मछली है और क्या क्या उनके नाम है और कौन कौन लोग इन्हें खाते हैं और कितने कितने की मिलती है, ये सारी बातें जो है हम इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये कौन सी मछली है? ये चिंदी है। चिंदी मछली जी। तो ये तो बिल्कुल सिल्वर है। चांदी वाली मछली है जी। हाँ। तो ये बेचते क्यों नहीं है? हम इसको बेचते हैं ना कंपनी में ना। नहीं नहीं, इसके जेवरात क्यों नहीं बनाते? इसका ही अगर इसको जेवरात बनाते तो हम इसका वो दाम को क्या कैसे देते हैं? ये मछली जो है ये कहाँ जा रही है? ये कोरिया में जा रही है। कोरिया में जा रही है, तो वहाँ कितने की बिकती है ये? वहाँ तो पता नहीं, हम इसको 345-300 में हम उठाते हैं और 320 में देते हैं। 320 रुपए में देते हैं आप ये? यहाँ से सीधा कोरिया जाती है जी। हाँ। तो पाकिस्तान में नहीं खाई जाती है? खाई जाती है, क्यों नहीं खाते? कोरिया क्यों भेज रहे हो, हमने नहीं खानी? कोरिया क्यों भेज रहे हो, हमने नहीं खानी? किसी का दिल चाहता है तो वो खाता है, किसी का दिल नहीं चाहता तो नहीं खाता है। तो रोजाना कितनी ये मछली निकाल लेते हो जी? कभी 300 कभी 400, ये समंदर पे है, हमारे हाथ में नहीं है। 300-400 मछली रोजाना निकल आती है? क्या बात है जी। ये देखे जी, कितनी यूनिक सी चांदी की मछली है ये। और इनका कहना ये है कि यहाँ से ये सीधा कोरिया जा रही है, कोरिया में बहुत ज्यादा खाई जाती है। और ये क्या है, ये किसकी लाश है? ये देखे नाजरीन, अभी अभी मछेड़े जो है वो मछलियाँ लेकर आए हैं और कश्ती को जो है वो साहिल पे लगा रहे हैं। तो देखे कितना मुश्किल काम होता है कि कश्ती को जो है वो कितने लोग पकड़ कर साहिल पे लगाते हैं। तो आज मैंने आपको समुंदर के साहिल की सारी सैरें करवानी है, मछेड़ों के बारे में बताना है, मछलियों के बारे में बताना है, तो आपने मेरे साथ रहना है। और कितनी मछली लेके आए है बच्चे? आज कुछ भी नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, नहीं मिली। नहीं मिली कुछ भी। अभी कहाँ से आ रहे हैं? समुंदर से। कितनी दूर गए थे? जीवन से। जीवन तक गए थे? जीवन का कितना रास्ता है? दीर सक रास्ता एक ही है ना। नहीं, कितना है, कितना टाइम लगता है? 2 घंटा 3 घंटा 3 घंटे लगता है। ये देखे जी नाजरीन, ये बंदे जो अभी अभी ये समुंदर से आ रहे हैं, तो मछली मिली? नहीं नहीं नहीं, कोई भी नहीं मिली। कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। तो वजह क्या हुआ, क्यों नहीं मिली? समुंदर आवाज सही नहीं है ना। नहीं है चले जी, टाइटैनिक उसकी मंजिल तक पहुंच गई है। मैंने कहा मैं भी इनकी हेल्प करूं, और जब मैंने हाथ लगाए ना तब भी इनका काम हुआ। ठीक है जी नाजरीन, मैंने समुद्री लुटेरा जो है वो पकड़ लिया जी। देखे आगे हो, आगे हो, आगे हो। ये देखे, ये है समुद्री लुटेरा, ये अंदर मास्क पहन के लुटेरियां करता है। क्या करते हो तुम समुंदर में? समुंदर मच्छी पकड़ता है। तो ये मास्क क्यों पहनता है? गर्मी बहुत है। गर्मी है? अभी मौसम सही है, भले गर्मी होता है इस वजह से। तो इस तरह समुंदर में जाते हैं? हाँ। आगे आओ थोड़ा सा जी, थोड़ा आगे आओ। हाँ। ये टोपी उतारो जरा। ये किससे बनाया ये मास्क? मैंने बनाया। कैसे बनाया? घर से मशीन से बनाया। शर्ट फाड़ी है? हाँ जी। हाँ जी नाजरीन, ये देखिए इन्होंने शर्ट फाड़ कर जो है ये अपनी तरफ से स्पाइडरमैन बने हुए हैं, अपनी तरफ से ये स्पाइडरमैन बने हुए समुंदर में जाके जाले जो है वो फेंक रहे हैं। तो स्पाइडरमैन मुझे बताओ मौसम कैसा होता है समुंदर का? बहुत अच्छा मौसम है अभी। तो अंदर जाके क्या करते हो तुम? अंदर जाके घर में, अभी तो टाइम खत्म हो रहा है, अभी
टाइम खत्म हो रहा है, मच्छी नहीं है, हवा चल रहा है। चलो जी, समुंदर का स्पाइडरमैन जो है वो हमें मिल गया, ऐसे करके दिखाओ। फिस फिस फिस। जी नाज़रीन, देखें कितने मजे की चीज़ मेरे पीछे हो रही है। यकीन है न्यूज़ ऑन पर ही आप ऐसी चीज़ें देख सकते हैं कि देखें जी, मछेड़े जो है वो मछलियाँ लेकर आए और किस तरह उन्हें निकाल रहे हैं। तो इनसे जल्दी से बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि आखिर ये क्या कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये कौन सा प्रोसेस हो रहा है? ये इसको लीजर बोलते हैं। अच्छा, ये लीजर मछली है तो ये जाले में फंसी हुई होती है? जी हाँ, ये जाले में फंसी हुई होती है। तो यहाँ अगर आप लोग फिर इसे ऐसे निकालते हैं? ये इस तरह सफाई कर रहे हैं जाले से इसका। अच्छा, तो एक जाला कितना लंबा होता है आपका? ये एक जाला, इसको हम लोग बोलते हैं 400 मीटर होते हैं। 400 मीटर तक फैलाते हैं। फिर कितनी लीजर मछली जो है पकड़ लेता है? ये अगर ज्यादा होगा तो ज्यादा पकड़ेगा, 1 टन 2 टन 3 टन 4 टन। ये इतना बड़ा होता है, फिर सुबह कितने बजे जाके बिछाते हैं इसे, ये क्या करते हैं? सुबह जाते हैं 7 बजे, जैसे मच्छी को इन लोगों को मिलता है ये जाला फेंकते हैं, इसी टाइम में उठा के लेके आते हैं किनारे पे। किनारे में देख लो अभी ये सफाई कर रहा है, सफाई के बाद ये गाड़ी में करके फैक्ट्री भेज देते हैं। सही, मतलब 7 बजे ये जाला बिछा देते हैं, 1 बजे करीब ये जाला उठाते हैं तो अंदर मछली होता है? नहीं नहीं, उसी टाइम मछली होता है, 7 बजे जाते हैं उसी टाइम मछली में उठा के लेके आते हैं। उसी टाइम मछली ले लेते हैं? जी हाँ। तो तकरीबन कितने किलो मछली रोजाना मिल जाती है? एक अभी एक स्पीड बोट आया है, इसको रोजाना अगर मछली ज्यादा होगा तो समझो 1500-1600 किलो वो लेके आता है। 1500-1600 किलो? जी हाँ। इसके अंदर कोई मछली की दवाई दुई डालते हैं, खाना खुना डालते हैं, कैसे मछली फंसता जाले में? ये लोग समंदर में जाते हैं, अभी समंदर आप देख रहे हैं, ये मछली को देखते हैं मछेरे, डायरेक्ट जाला फेंक देते हैं, उसी टाइम उठा के लेके आते हैं। कभी ऐसा हुआ कि कोई बड़ा मछली अंदर फंस गया हो? हाँ, एक तो होता है बड़ा मोटा मछली फंसता है उसमें। चले जी नाज़रीन, ये देखें कितना मजे का प्रोसीजर जो है ये पीछे चल रहा है। वो कह रहे हैं कि ये 400-500 मीटर लंबा जाला है और ये जाला जो है ये समुद्र में जाके बिछा देते हैं और उसके बाद जब मछली इसमें आ जाती है तो आकर इसे निकालते हैं। तो ये देखें जी कितने मजे का प्रोसीजर है, 10 से 12 लोग जो है वो इस जाले को ऐसे ऐसे झंझाड़ते हैं, ऐसे और अंदर से मछली निकलती है। तो मैंने भी मछली निकालनी है, एक सेकेंड, मैंने भी निकालनी है, रुको जरा। ड्राइव के साहिल की सैर और यहाँ हमने आपको दिखाई मुख्तलिफ किस्म की मछलियाँ, मछेरों की बातें सुनाई और सारा प्रोसीजर देखा कि किस तरह मछली जो है वो पकड़ कर ये लोग लेकर आते हैं और किस तरह ये कंपनी तक पहुँचाते हैं। तो उम्मीद आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगली दफ़ा मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। ये वीडियो सोशोन के तावुन से पेश की गई है। सोशोन पाकिस्तान का नेशनल सोशल मीडिया नेटवर्क है। अपना अकाउंट बनाने के लिए सोशोन.com पर जाएं या गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से सोशोन ऐप डाउनलोड करें और पाकिस्तान का अपना सोशल मीडिया इस्तेमाल करें।